खबर एटा जिले से, जहां स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी के लिए हो रहे चुनाव में एटा मैनपुरी मथुरा की 3 उम्मीदवारों के पर्चे मंगलवार को हुई जांच प्रक्रिया में खारिज हो गए। एटा मैनपुरी मथुरा निर्वाचन क्षेत्र से 2 सदस्य चुने जाते हैं। एक सीट के लिए सपा के उदयवीर सिंह और भाजपा के आशीष यादव और सुभाष पार्टी के अनुज कुमार ने नामांकन किया था, जबकि दूसरे सदस्य पद के लिए सपा के राकेश सिंह यादव और भाजपा के ओम प्रकाश सिंह ने नामांकन दाखिल किया था। नामांकन पत्र के साथ दिए गए शपथ पत्र में कुछ खामियों के चलते सपा के दोनों प्रत्याशियों ने मंगलवार सुबह रिटर्निंग अधिकारी डीएम को अनुपूरक शपथ पत्र दिए। इसके बाद भी समीक्षा में दोनों प्रत्याशियों के शपथ पत्र में 3 कॉलम अपूर्ण पाए गए। वहीं अनुज कुमार के नामांकन पत्र में दस्तावेज पूरे नहीं थे। इस पर इन तीनों नामांकन पत्रों को रिटर्निंग अधिकारी ने अस्वीकृत कर दिया। इसके बाद भाजपा के आशीष यादव और ओम प्रकाश सिंह का निर्विरोध चुनाव जाना लगभग तय हो गया। एटा जनपद से सत्यवान सिंह चौहान की रिपोर्ट। फायर कराने के लिए पूरा टाइम लगा है, लेकिन हम तो यहाँ चुनाव लड़ने आए हैं। हम यहाँ गुंडागर्दी करने या मुकदमा लड़ने या अपनी जान बचाने नहीं आए हैं। चुनाव लड़ने के लिए अगर हमें जाना था तो हम गए, लड़ना था लड़े, मारपीट होनी थी मारपीट, जो भी होना था, लेकिन ये मेरा अधिकार है, इलेक्शन लड़ने का मेरा अधिकार है, मेरे दल का दिया मुझे दायित्व है। उस दायित्व के लिए चाहे लड़ाई हो चाहे झगड़ा हो चाहे कुछ हो, उसे मैं पूर्णतः पूरा करने का प्रयास करूंगा और अपने अधिकार को सुरक्षित करने के लिए मुझे संघर्ष करना पड़ेगा तो मैं करूंगा। क्या आपको जो पेपर सबमिट करने थे आरओ रूम में, वो आप समय से कर पाए? हमने वो समय से कर दिए हैं। आरओ उस पर क्या टाइम डालेंगे वो आरओ जानेंगे, क्योंकि हम एडीएम के 7:35 से थे कलेक्ट्रेट परिसर में। अगर वो आरओ खुद आए ना 10 बजे 11 बजे तक, अगर आरओ कागज लेने से इनकार कर दें, मैं जो टाइम लिखूं उसमें कुछ और लिख दें, तो ये तो आरओ का विवेक है, आरओ की नैतिकता है, आरओ का के ऊपर है कि वो कितना कानून मानते हैं। मैं पहले हूं और मेरा ये चुनाव आयोग को भेजा फैक्स सबूत है इस बात का, ये मेल कि मैंने टाइम से, मेरे पास एफिडेविट भी था, तैयार भी था, हम गए भी। जो हमारे वकील गए थे 10 बजे ही पहुंच गए थे, उनको भी बाहर पकड़ के एक साइड में पुलिस ने खड़ा कर रखा था। अभी नहीं, जब आरओ साहब आएंगे तब आपको जाने देंगे। जब आपने 11 बजे का टाइम दिया तो आरओ साहब जब क्यों आएंगे? आरओ साहब को रहना चाहिए। तो क्या आपको कोई ऐसी सूचना दी गई कि आपका पर्चा खारिज किया गया? नहीं, मुझे अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है, लेकिन जहां आरओ खुद टाइम से आ न रहा हो, जहां पुलिस खड़े होकर पत्थरबाजी करा रही हो, लोगों से मारपीट करा रही हो और अपने साथी पुलिस वालों के पिट जाने पे भी कुछ नहीं कह पा रही हो, वहां मुख्यमंत्री कप्तान कह रहा हो कि योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते उनके उनसे आगे हम नहीं जा सकते, तो इससे ज्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं? ये कप्तान ने क्या बात कही, आप जरा एक बार फिर बता दीजिए, क्या कहा आपसे? हमने कप्तान को बार बार फोन किया, हमने कहा कि आप सुरक्षा प्रोवाइड कराइए। उन्होंने कहा हम सुरक्षा प्रोवाइड कराएंगे, आपको सुरक्षा प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन कप्तान मुख्यमंत्री नहीं चाहते कि यहां से चुनाव हो। वॉइस रिकॉर्डिंग है क्या आपकी कप्तान? नहीं, मैं किसी की वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं करता, इसलिए वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं करता कि ये वॉइस रिकॉर्डिंग करना मैं अच्छी बात नहीं मानता। और वो व्हाट्सएप कॉल पर उन्होंने कॉल की है मुझे, मैं दिखा सकता हूँ आपको। ये देखिए, ये देखिए कितने फोन हैं। बजे के लिए लोगों को बुलाया गया था समीक्षा के लिए, तो जितने थे सभी वो उपस्थित हुए यहाँ पर सभी पार्टियों से, और इनमें जो है 3 पर्चे जो है अपूर्ण पाए जाने का उसमें को रेस्ट किया गया जी। इसमें एक पर्चा था श्री उदयवीर सिंह जी का, उनका था कि उनके द्वारा शपथ पत्र कल जो दिया गया था उन्हें प्रारूप में नहीं था, और उन्हें आज का टाइम दिया गया था कि आज अपना शपथ पत्र दाखिल करें, तो उनके द्वारा अनुपूरक शपथ पत्र लाया गया, लेकिन वो भी पूरा नहीं था, अपूर्ण था, होगी तो उस वजह से उनका जो है पर्चे को निरस्त किया गया। कुल कितने निरस्त किए गए पर्चे? कुल 3 पर्चे निरस्त किए गए। और इसमें एक जो सपा प्रत्याशी हैं सीधा आरोप था कि उनके साथ कल भी मारपीट हुई थी, आज भी मारपीट हुई और उनको वहां पर जाने नहीं दिया, इस बारे में आपको क्या जानकारी? आज नामांकन क्षेत्र के बाहर दो पक्षों के बीच में जो भी उनके प्रस्ताव थे उनके बीच में विवाद हुआ था, और जैसे ही पुलिस को संज्ञान मिला पुलिस ने जाकर वहां मौके पर जो है विवाद को शांत कराया, और साथ ही साथ पर्याप्त पुलिस उनको सुरक्षा में अधिकारीगण के द्वारा स्वयं सबको सुरक्षा दी गई ताकि सभी जो भी प्रत्याशी हैं यहां तक आ सके आरोप
पहुंच सके, उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सबको सुरक्षित तो अभी कोई घोषित नहीं होगा, क्योंकि जो 24 तारीख को नाम वापसी की बात है जी, तो उसके बाद ही कुछ अंतिम निर्णय होगा। अभी जो है 3 पर्चे आज जो है जो अपूर्ण पाए जाने के कारण, या एक पर्चा श्री अनुज कुमार का है, उनके द्वारा जो है डॉक्यूमेंट पूरे नहीं दिए गए थे, तो इस आधार पर जो 3 पर्चे जो है उनको जो आरोप स्तर से खारिज किए गए। उनका आरोप यह है कि उनको समय से पहुंचने नहीं दिया ऑफिस में, उनको उनके कार्य दाखिल नहीं करने दिए और प्रशासनिक अधिकारियों की बात नहीं करनी। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या है ये पूरी सच्चाई। नहीं, आज वो गए वहां तक, उनके द्वारा अनुपूरक शपथ पत्र भी दाखिल किया गया, अनुपूरक शपथ पत्रों की समीक्षा भी हुई, समीक्षा के उपरांत चूंकि उनको जो भी डॉक्यूमेंट उन्होंने दाखिल किए वो पूरे नहीं पाए गए, तो जब पूरे नहीं पाए गए तो उस आधार पर जो है उन पर जो आरोप का निर्णय लिया गया उसमें अपूर्ण होने की वजह से फिर उनको जो है शपथ कम्प्लीट न होना। अच्छा, कम्प्लीट नहीं हुआ। आज जो शपथ पत्र का आज जो मारपीट का जो मामला हुआ है उसकी कोई शिकायत आई? हाँ, विवाद हुआ था आप तो पुलिस वालों ने ही अवगत कराया, पुलिस की तरफ से FIR भी हो रही है, कार्रवाई भी कराई जा रही है, क्योंकि आज वाले मामले में FIR हो गई, क्योंकि वो बाहर हुआ था, नामांकन क्षेत्र से बाहर विवाद हुआ था जी, लेकिन फिर भी पुलिस पहुंच गई थी, पुलिस द्वारा अपने